कार में युवक की अधजली लाश मिलने से सनसनी हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सदर थाना नगरोटा बगवां के तहत रीन पंचायत में मंगलवार सुबह एक कार में युवक की अधजली लाश मिली है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान पंकज चौधरी निवासी टीका वणी योल के रूप में हुई है। सुबह यहाँ के कुछ लोगों ने कार में युवक के अधजले शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। परिजनों के अनुसार युवक कार लेकर कहीं गया था। कार रीन पंचायत के झियोल मार्ग पर मिली है। परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा। मौके पर एसएचओ नगरोटा बगवां श्याम लाल शर्मा, डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक अभी अविवाहित था और उसके सिर से पिता का साया बचपन से ही उठ गया था। वहीं एसपी धर्मशाला विमुक्त रंजन ने बताया कि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा। अगली खबर है, हिमाचल में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, मृत्यु दर 0.2% बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी बेकाबू होती जा रही है। 8 दिन में प्रदेश में कोरोना 34 लोगों की जान ले चुका है। ये सभी लोग 60 साल से और इससे अधिक उम्र के हैं। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 0.2% बढ़ी है। पहले मृत्यु दर 1.60% थी तो अब 1.62% पहुंच गई है। दूसरी और रिकवरी दर में कमी दर्ज हुई है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने सोमवार को मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इसमें कोरोना पर काबू पाने पर चर्चा हुई है। ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और सोलन जिले में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं। जिला शिमला में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 275 लोगों की मौत हुई है, जबकि कांगड़ा जिले में 228 लोग दम तोड़ चुके हैं। जिला ऊना में सामुदायिक संक्रमण हो गया है। कस्बों में कोरोना के मरीज आ रहे हैं। सरकार ने जिला ऊना के डीसी और सीएमओ को बीमारी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा है। नए कोरोना वायरस की जांच करने के लिए सरकार ने 525 लोगों के सैंपल पुणे भेजे हैं। सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर रिमाइंडर भेजा है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की रोजाना नई खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।